गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमें आज जो रिएक्शन स्टडी करनी है उसका नाम रहेगा कोरेफुस रिएक्शन, और इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी स्टडी करने वाले हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कोरेफुस रिएक्शन। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसे मैं वन बाय वन आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कोरेफुस रिएक्शन जनरली रिलेटेड रहती है ओनली फॉर एल्डिहाइड स्टैटिक मटेरियल के लिए। जिसके अंदर एल्डिहाइड स्टैटिक मटेरियल है उसी के लिए कोरेफुस रिएक्शन लिमिटेड है, उसी से हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर हमें लिथिएटेड बेस रिक्वायर्ड रहता है। अगर हम कोई अदर बेस यूज में ले तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। तो बेस कौन कौन से हम ले सकते हैं, फर्स्ट वन इज एन ब्यूटाइल लिथियम, या फिर LHMDS, या LDA, या टर्ब्यूटाइल लिथियम। इस टाइप के लिथिएटेड बेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोरेफुस रिएक्शन में जो हमारे पास थर्ड मेन पॉइंट रहता है वो रहता है आपके पास, जनरली आपके पास एरो के ऊपर दो रिएजेंट दे रखे होते हैं, एक CBr4 यानी कि टेट्रा ब्रोमोमिथेन विद ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ये जो आपको एरो के ऊपर एक कंडीशन दे रखी होगी, ये आपका थर्ड केस आप पॉइंट आउट कर सकते हो कोरेफुस रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, देखिए CBr4 PPh3 क्या करेगा, आप हमें पता है कि फास्फोरस के ऊपर क्या होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करेंगे वो अब इसे हम समझ लेते हैं। जनरली ओके, दिस लोन पेयर अटैक ऑन द कार्बन, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन से 4 हैलाइड जुड़े हुए, यानी कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो रहा। तो यहाँ पे अटैक करने से क्या होगा, कोई भी एक Br आपका गेट एलिमिनेट हो जाएगा जो इसके एंटी होगा। सपोज दिस वन इज गेट एलिमिनेट, ठीक, तो Br अब एलिमिनेट हो गया और कार्बन फास्फोरस के बीच में आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और फास्फोरस के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे मैं शो करता हूँ, दिस इज न्यू बॉन्ड और ये फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। और जो Br- यानी Br बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेके एलिमिनेट होगा तो Br- होगा, ब्रोमाइड आयन के रूप में बाहर निकलेगा। ये ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, वापस से कार्बन के साथ अटैच किसी एक Br पर अटैक करेगा। इससे क्या होगा, देखिए दिस Br अटैक ऑन हेयर, तो इससे कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड जो है वो कार्बन फास्फोरस के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, तो कार्बन फास्फोरस के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड। इससे क्या होगा कि फास्फोरस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो हमारे पास अब देखने को मिला, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं, दिस कार्बन फास्फोरस डबल बॉन्ड एंड PPh3, तो ये क्या मिल गया। अब ये जनरली अगर आप इसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो जैसा कि विटिक रिएक्शन के समय हमें विटिक सॉल्ट मिलता था, ये समथिंग लाइक अ विटिक सॉल्ट, विटिक सॉल्ट की तरह हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूं विटिक सॉल्ट, विटिक सॉल्ट टाइप में ये आपको देखने को मिल गया, और बाहर क्या निकला हमारे पास Br2 गैस के रूप में ये बाहर निकल जाती है। ओके, अब मेन हमारा ये जो बना विटिक सॉल्ट ये क्या करता है, एल्डिहाइड के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाता है, एंड देन आफ्टर जो एन ब्यूटाइल लिथियम बेस है वो उससे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। कैसे करता है इसे भी हम देख लेते हैं, एरो के ऊपर कंडीशन रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन कौन सी है, कोरेफुस रिएक्शन। ओके माय डियर्स, देखिए स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास क्या दे रखा है, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास दे रखा है एल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड कार्बन है उसे कोई भी नंबर दे सकते हैं, वन नंबर। अब एरो के ऊपर कंडीशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, फर्स्ट स्टेप दे रखा है आपको CBr4 PPh3, इसका काम क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि फर्स्ट स्टेप CBr4 PPh3 से हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा विटिक सॉल्ट। ओके, दिस इज विटिक सॉल्ट आपके पास देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप से हमारे पास ये बन गया विटिक सॉल्ट। ओके, और स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एल्डिहाइड, तो मैंने यहां पर एल्डिहाइड को भी यहां पर लिखा, मैं इसे शो कर देता हूं, दिस इज हेयर। ओके, फर्स्ट स्टेप इसमें कन्वर्ट हुआ।
अब हमारे पास जो विटिक सॉल्ट था वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, दिस, इसे क्या कहेंगे, पाइट्यूएट माइनस चार्ज। तो ये बन गया आपके पास विटिक, जो बॉन्ड पोलराइजेशन के बाद हमारे पास बनता था उसे हम क्या कहते थे, विटिक इंटरमीडिएट, या फिर इसका कुछ अदर नेम होता था उसे हम कहते थे इसे हम कहते हैं विटिक इलिड। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा इलिड। फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यानी कि फास्फोरस एंड कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन, तो इसलिए ये बॉन्ड आपका पोलराइज रहता है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इलिड बन गया हमारे पास, हमारे पास एल्डिहाइड है, विटिक रिएक्शन परफॉर्म होगी, विटिक रिएक्शन की मैं यहाँ पे मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा, इसके लिए विटिक रिएक्शन को हमने ऑलरेडी विटिक रिएक्शन के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड किए, तो आप उसे प्लीज प्रेफर कीजिए, उसे देखिए। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए ये जो विटिक इलिड है वो कैसा है, नॉन स्टेबलाइज है, नॉन स्टेबलाइज है। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा, नॉन स्टेबलाइज है, तो जेड डबल बॉन्ड आपके पास बनेगा, जेड डबल बॉन्ड बनेगा, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया। तो जेड डबल बॉन्ड देखिए बना लेते, दिस इज ये आपका जेड टाइप का डबल बॉन्ड, चूंकि कार्बन के ऊपर दोनों सब स्टेटमेंट सेम है इसलिए अभी ई डबल बॉन्ड या जेड डबल बॉन्ड दोनों सेम रहेंगे, तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट ए। ओके, प्रोडक्ट ए में दिस इज कार्बन नंबर वन और ये कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर टू डाई हैलाइड है। अब यहां से आपका कोरे फुस का सेकेंड स्टेप चालू होगा। अब हमारे पास डाई हैलाइड बन गया, अब हम कोई एक लिथिएटेड बेस यूज में लेंगे, लिथिएटेड बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा कार्बन नंबर एक के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज वन एंड टू कार्बन के बीच में अटैक करेगा, इससे क्या होगा टू के ऊपर जो ब्रोमाइड है वो गेट एलिमिनेट होगा और आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। देख लेते कैसे, देखिए हमने क्या लिया एन, ये हमने बेस यूज में लिया एन ब्यूटाइल लिथियम। ओके, तो एन ब्यूटाइल लिथियम अभी दो काम कर सकता है, पहला कर सकता है हैलोजन एक्सचेंज भी कर सकता है, सेकंड प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, तो देखिए पहला सपोर्ट कीजिए, इसने एच को एब्स्ट्रैक्ट किया, इस एच को एब्स्ट्रैक्ट किया तो कार्बन वन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यह नेगेटिव चार्ज कहां पर अटैक करेगा, वन एंड टू के बीच में। तो मैं देख लेता हूं, देखिए एन ब्यूटाइल लिथियम था, बेस था, मैं लिखता हूं इसको दिस इज बेस, बेस के ऊपर लोन पेस रहते, इसने क्या किया इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कार्बन वन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा वन एंड टू के बीच में, ये वन एंड टू के बीच में अटैक किया, इससे क्या हुआ टू कार्बन से अटैच एक ब्रोमाइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो इससे एक ब्रोमाइड को हम करवा देते एलिमिनेट, ये एलिमिनेट हो गया। तो अब क्या मिला, एक एंड दो नंबर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो ये आपने देखने को मिला एक और दो नंबर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नंबर देते इसको वन एंड टू। अब फर्दर एन ब्यूटाइल लिथियम अगर हम यूज में कर रहे हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम एक्सचेंज है, तो हमें पता है कि एन ब्यूटाइल लिथियम क्या शो करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज शो करते हैं, लिथिएटेड बेस ले रहते, अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर हैलोजन है और हम लिथिएटेड बेस यूज में ले रहे तो हैलोजन एक्सचेंज शो करते हैं। तो अब ये कार्बन टू से जो ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है वो क्या बना देगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएगा और इस टू पोजिशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसे स्टेबलाइज करेगा लिथियम, जिसे कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। ओके, तो एक तो साथ में आपके पास मिलेगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस दिस वन वन नंबर कार्बन, दिस वन टू नंबर कार्बन, टू नंबर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसे स्टेबलाइज कौन करता है, लिथियम प्लस पॉजिटिव चार्ज, इसे हम कह सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज। ओके, अब टू नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैचअप कर सकता है। अब इलेक्ट्रोफाइल आप क्या ले सकते हैं, या तो H+ ले सकते हैं, या CO2 ले सकते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, या अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाइक I2 ले सकते हैं। ओके, तो टू नंबर पे अभी हमने क्या लिया, H3O+ लिया है, H3O+ से हमको क्या मिलेगा, H+, ये नेगेटिव चार्ज H+ को कैच करके क्या बनाएगा, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे दिस वन H+ है, मैं लिख लेता हूं इसे, ये हमारे पास H+ है, तो इससे ये कैच करेगा गोस टू हेयर। ओके, कैच करने के बाद वन नंबर
एंड टू नंबर के बीच में क्या देखने को मिला, ट्रिपल बॉन्ड, एंड टू नंबर के साथ आपके पास अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो ये ओवरऑल मेरे पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड दिस वन। और मेरे पास ये प्रोडक्ट देखने को मिला जिसे मैं अब बॉक्स में लिख लेता हूँ, दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने को मिला। तो ये था कोरे फिश रिएक्शन के द्वारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमने बनाया। तो ओवरऑल हमारे पास जो था कि शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, तो शॉर्ट ट्रिक बनने से पहले हम एक स्टेप और देख लेते हैं। सपोज कीजिए जो आपका ए इंटरमीडिएट है, दिस वन ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट को हमने एन ब्यूटाइल लिथियम यूज में लिया। ओके, एन ब्यूटाइल लिथियम ने क्या किया, अब हम डायरेक्ट हैलोजन रिएक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्ट हैलोजन रिएक्शन कैसे हुआ। देखिए मैंने जैसे बताया था कि एन ब्यूटाइल लिथियम अगर हम यूज में लेते तो ये तो क्या कर सकता है, या तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है दिस वन इस स्टेप में, या फिर कार्बन नंबर टू पे जो हैलोजन है वन एंड टू, उस टू नंबर पर जो हैलोजन प्रेजेंट है उसे हैलोजन एक्सचेंज कर सकता है लिथियम के द्वारा। तो सपोज कीजिए पहले हैलोजन एक्सचेंज हो गया, हैलोजन एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, कोई एक हैलोजन लाइक दिस वन बीआर, बीआर की जगह अब क्या आएगा लिथियम, और कार्बन नंबर टू पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, ये बन गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और साथ जो यहां पे कार्बन नंबर टू नेगेटिव चार्ज बेयर करता है इसे स्टेबल कौन करता है, इसे न्यूट्रलाइज कौन करता है, लिथियम प्लस। ओके, अब देखिए हमने कार्बन के चैप्टर में पढ़ा था अगर किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और उसी कार्बन पर कोई हैलोजन है तो क्या होता है, जो हैलोजन प्रेजेंट है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है ना, तो यही होगा यहाँ पे कार्बन नंबर वन एंड टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और टू पे कोई हैलोजन भी है, तो ये हैलोजन या ब्रोमाइड क्या करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाएगा, ये गेट एलिमिनेट। तो अब क्या होगा, कार्बन नंबर टू पे ऑनली फॉर टू इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ये बन गया आपके पास एक इंटरमीडिएट कार्बिन, तो हमने एक इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास, दिस वन इज कार्बिन, हाईलाइट करता हूं मैं इसे, ये कार्बन नंबर टू पे ओनली फॉर टू इलेक्ट्रॉन, ये बना आपके पास कार्बिन, और कार्बिन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं माय डियर, कार्बिन शो करते हैं गिव इंसर्शन रिएक्शन, क्या करते हैं ये अपने नेबरिंग कार्बन के पास अगर कोई प्रोटॉन है, कोई अदर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बॉन्ड के बीच में कार्बिन इंसर्ट होते हैं, तो इसे कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इसके ऊपर भी हमने कार्बिन का जो इंटरमीडिएट का टॉपिक लिया था उसके ऊपर पूरा डिटेल स्टडी किया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कार्बिन इंटरमीडिएट के टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी वीडियोज फॉर्मेट के रूप में अपलोड करके रखे हैं। ओके, तो कार्बिन शो करेगा इंसर्शन, इंसर्शन किसके बीच में शो करेगा, अभी इसका नेबरिंग कार्बन कौन सा है, ये वन नंबर कार्बन है, ये टू नंबर, तो वन नंबर पे जो हाइड्रोजन है उसके बीच में ये पहले इंसर्शन शो करेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट तो फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्शन शो करता है, तो एट प्रेजेंट टाइम ये शो करेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्शन, ये इसे मैं लिख सकता हूं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंसर्शन। ओके, तो देखिए होगा क्या, दिस हाइड्रोजन जो है ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कहां पे अटैक करेंगे, ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन वन एंड टू के बीच में अटैक करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा हाइड्रोजन यहां से डिटेच होके, हाइड्रोजन वन नंबर से डिटेच होके आके कहां पे जुड़ेगा, टू नंबर पे। ओके, तो इससे क्या हुआ, वन एंड टू के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया और टू के ऊपर आ गया हाइड्रोजन, एंड वन एंड टू के बीच में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और सभी जो इसकी वैलेंसीज है सभी फुलफिल है। देखिए कार्बन वन की भी फोर वैलेंसी होती है, ये कार्बन वन की फोर वैलेंसी, कार्बन टू की फोर वैलेंसी फुलफिल है, तो ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट। अब सपोज कीजिए शॉर्ट ट्रिक जैसा मैंने आपको बताना था, सपोज ये आपके पास कोई इंटरमीडिएट है या कोई रियल स्टार्टिंग मटेरियल जो भी है, बी मान लीजिए ये बी है, यहां पे ये वन नंबर कार्बन ये टू नंबर कार्बन, आपने एन ब्यूटाइल लिथियम दिया, तो या तो क्या हो सकता है पहले हैलोजन एक्सचेंज करा दीजिए, तो पहले टू नंबर के ऊपर जो हैलोजन था उसका एक्सचेंज हुआ टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हैलोजन एक्सचेंज हुआ लिथियम प्लस से, अब क्या बनेगा, ये गेट बी आर एलिमिनेट, सेकेंड नंबर का बी आर एलिमिनेट वन एंड टू नंबर के ऊपर आया, क्या है कार्बिन बना, दिस इज कार्बिन। अब कार्बिन क्या शो करेगा, इंसर्शन, तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट ट्रिपल बॉन्ड, वन एंड टू के बीच में आपको क्या देखने को मिला, ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे देखना है शॉर्ट ट्रिक
से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो शॉर्ट ट्रिक में लगा लेता हूं। अब आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक की बारी। ओके, शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं वो चेक कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं पहले, दिस वन इज शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में एल्डिहाइड है, एरो के ऊपर फर्स्ट कंडीशन क्या देखे, CBr4 PPH3। तो पहला मुझे ये पता चल गया ये बनाता मेरे पास विटिक सॉल्ट से मिलेगा विटिक इलिड क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो मेरे पास एक ही कार्बन अभी है CBr4 के अंदर, एक ही कार्बन है एंड फर्स्ट कार्बन दिस वन एंड सेकेंड कार्बन दिस वन। ओके, और विटिक रिएक्शन से 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन गए। अब सेकेंड स्टेप मैंने क्या लिया, एक्सेस ऑफ एन ब्यूटाइलिथियम। तो एक्सेस ऑफ एन ब्यूटाइलिथियम हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू या फिर डायरेक्टली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, दो में से किसी भी एक के थ्रू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो वन नंबर एंड टू नंबर के बीच का जो कार्बन है 1 और 2, इसके बीच में आप क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सारे के सारे रिएक्शन मैकिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं, एरो के ऊपर कंडीशन रिकॉग्नाइज किया और हमने डायरेक्टली 1 नंबर और 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो देखिए 1 नंबर का कार्बन ये रहेगा, 1 नंबर और 2 नंबर आपस में जुड़े हुए रहेंगे विटिक रिएक्शन के द्वारा, और वो उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट ए बनेगा, उस प्रोडक्ट ए को एक्सेस एन ब्यूटाइल लिथियम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपके पास आ गया प्रोडक्ट। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन, ये आपका एल्डिहाइड, तो इसमें कार्बन नंबर 1 कौन होगा, दिस वन इज कार्बन नंबर 1 रहेगा आपके पास, और यहां पे CBr4 PPH3 जो रहेगा वहां से कार्बन नंबर 2 मिलेगा आपके पास, सारे के सारे सेम है। एरो के ऊपर जो कंडीशन है, प्रीवियस कंडीशन है CBr4 PPH3 एंड यहां पे था एक्सेस एन ब्यूटाइल लिथियम, तो ये आपका था 2 नंबर कार्बन। ओके, तो ये 1 नंबर और 2 के बीच में अभी आपको देखने को मिला ट्रिपल बॉन्ड। शॉर्ट ट्रिक आपसे ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये आपका रहेगा 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन CBr4 से आएगा, और आपके पास जो डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 1 और 2 के बीच में, तो ये दिस वन इज 1 और दिस वन इज 2, आपके पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, दिस वन इज, देखिए ये है आपके पास 1 नंबर कार्बन, स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्जर्व किया, ये 1 नंबर कार्बन, एरो के ऊपर कंडीशन सेम थी, क्या थी, CBr4 PPH3 एंड एन ब्यूटाइल लिथियम एक्सेस के अंदर, तो ये हो जाएगा मेरा 2 नंबर कार्बन। तो ये 1 और 2 के बीच में अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 और 2 के बीच में देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास दे रखा है दिस वन CHO एल्डिहाइड, ये आपका हो गया 1 नंबर कार्बन, यहां पे भी एरो के ऊपर सेम कंडीशन है, क्या कंडीशन है आपके पास, CBr4 एंड PPH3, नीचे एन ब्यूटाइल लिथियम। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 नंबर कार्बन, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दिस 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नंबर दे दीजिए, ये 1 और 2 नंबर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसी टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन है जिसे मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर लेता हूं। एट प्रेजेंट टाइम मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, कोरेफुस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं ये स्टडी की, शॉर्ट ट्रिक के बारे में देखा कि शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।